अलीगढ़ में बुधवार को एक युवक का विजडम पब्लिक स्कूल के सामने से 5 बदमाशों द्वारा अपहरण कर गाड़ी में डाल कर ले जाने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर तत्काल मौके पर जाकर जानकारी व जांच की गई तो पूछताछ में पता चला कि 20 सितंबर को शराब पीने के दौरान दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी व झगड़ा हुआ था। गीतेश को द्वितीय पक्ष के द्वारा देख लेने की धमकी दी गई थी और उसी रंजिश के तहत गीतेश को, जो शंकर विहार कॉलोनी थाना कोर्सी अलीगढ़ का रहता था, उस गाड़ी संख्या UP 32JY 6197 में डालकर अपहरण किया गया था। सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर घटना सत्य पाई गई और तत्काल मौके पर ही टीमों का गठन कर अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। इस संबंध में वादी द्वारा थाना महुआ खेड़ा पर लिखवाए गए मुकदमा संख्या 262/22 धारा 364/506 भादवी के नामित व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। इस संबंध में पुलिस ने 4 लोगों को, जिसमें रोहित, उत्कर्ष, पुष्पेंद्र, हेमंत को याकूतपुर पुलिया के पास जंगल ग्राम याकूतपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पूर्व जब इन्हें रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिसकर्मियों की तरफ तेजी से गाड़ी भगा दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बहादुरी से इनका पीछा किया और पकड़ लिया, जिसके दौरान पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं और तलाशी में इनके कब्जे से अवैध हथियार कारतूस बरामद हुए, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध कई थानों में संगीन धाराओं में और अनेकों अभियोगों पूर्व से भी पंजीकृत हैं। खैर, अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। 2 सितंबर को दिन में 112 की सूचना थाना महुआ खेड़ा पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें सूचना दी गई कि एक व्यक्ति को विजडम पब्लिक स्कूल के सामने कुछ हथियारबंद लोगों ने जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठा लिया है। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरा तथा अन्य लोगों से घटना की तस्दीक हुई। इसके बाद आसपास जब ढूंढवाया गया तो व्यक्ति कुछ दूर पे पुलिस ने रिकवर किया, जहां पर उसके द्वारा बताया गया कि पिछली रात में कुछ लोगों से किसी बात पे इसका झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश में इन लोगों द्वारा उसको उठाया गया था और मौका देखते ये उन लोगों के चंगुल से फरार हो गया। उसी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अपराधियों को ढूंढने के लिए टीम गठित की गई। देर रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि याकूतपुर के पास वह संदिग्ध गाड़ी, उसमें 4 लोग बैठे हुए हैं, उस सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची तथा इन लोगों को वहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। इन लोगों द्वारा पुलिस टीम को देखकर तेज़ गति से गाड़ी आगे बढ़ाई गई और भाग फरार होने की कोशिश की गई, परंतु पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए पीछा करके इनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की हल्की फुल्की चोट भी लगी, जिसके संबंध में अलग से पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकार इसमें पुलिस टीम द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है रोहित, उत्कर्ष, पुष्पेंद्र और हेमंत, जो कि सभी महुआ खेड़ा थाने के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस तथा 1 गाड़ी नेक्सन, जिसका इन्होंने अपहरण में इस्तेमाल किया था, बरामद की गई है। इनको तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटगन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।